हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ देवांगन एंड आप सभी का स्वागत है डार्क जोन 9 प्राउड यूट्यूब चैनल पे। एंड आज मैं यहां पर तीन ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा जो एज अ डायरेक्ट सेलर ना अक्सर मुझसे पूछा जाता है और एज अ डायरेक्ट सेलर हर किसी को पूछा जाता है। तो मैं इन सारे क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगा, जिसमें से तीन क्वेश्चन जो है मैं आपको बताना चाहूंगा। नंबर वन क्वेश्चन इज ओनली एंड ओनली डायरेक्ट सेलिंग। लोग अक्सर पूछा करते हैं कि भाई मार्केट पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, नेटवर्क मार्केटिंग आप क्यों कर रहे हो? मतलब मार्केट पे तो ऐसे लाखों ऑप्शंस हैं, व्हाई ओनली एंड ओनली नेटवर्क मार्केटिंग? इसके बारे में मैं आंसर करना चाहूंगा पहला। दूसरा मैं आंसर करना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनीज हैं, मतलब इंटरनेशनल ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, साथ साथ में अगर आप इंडियन कंपनीज की बात करें तो वो भी बहुत सारे हैं, उसमें भी टॉप की कंपनीज भी है, वो भी भरपूर है, तो व्हाई ओनली एंड ओनली डार्क जोन 9? इसके बारे में भी यहां पर बात करेंगे एंड साथ साथ में अप्लायंस के बारे में भी कि भाई आप अगर डार्क जोन 9 में हैं तो यहां पर और भी तो बहुत सारे अप्लायंस हैं, तो आप इतने सालों से उन्हीं अप्लायंस के साथ क्यों स्टिक है, इस बारे में भी यहां पर मैं बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहले व्हाई डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की जो अपॉर्चुनिटी मिली थी वो काफी सालों पहले मिली थी, जब मैं कॉलेज लाइफ में था। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरा मतलब इतना अच्छा इंटरेक्शन रहा डायरेक्ट सेलिंग से, क्योंकि मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, है ना। अक्सर लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग वही लोग करते हैं जिनकी पढ़ाई अच्छी नहीं होती, करियर अच्छा नहीं होता, बट आई वॉज वेरी गुड स्टूडेंट। आई स्कोर 83% इन माई 12th एंड मुझे एक अच्छा कॉलेज मिला था 12th के बाद इंजीनियरिंग करने के लिए। एंड जैसे मैं कॉलेज में आता हूँ तो कुछ ही महीनों में मेरा एक फ्रेंड होता है जो मुझे डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देता है। अब देखिए उससे पहले क्या चल रहा था मैं भी आपको ये बता देना चाहता हूँ। उसके पहले ये चलता था मेरे दिमाग में कि यार मुझे कुछ ना कुछ पार्ट टाइम करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए जहाँ पर मैं अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर पाऊँ। क्यों? क्योंकि देखिए मैं ऐसा स्टूडेंट था जो हिंदी मीडियम से था, एंड मुझे पता था जब मैं कॉलेज में आया था तो मुझे ये चीज़ समझ में आ चुका था कि भाई सिर्फ हिंदी बोलने से, सिर्फ नॉर्मल रहने से मुझे जॉब तो नहीं लगने वाली, मेरी जॉब तो नहीं लगेगी, तो मुझे कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेगी जिससे मेरा स्किल्स इंप्रूव हो पाए, मैं कुछ सीख पाऊं और मैं अच्छे खासे जॉब लगा पाऊं। ये मेरे दिमाग में पहले से था। दूसरा मेरे दिमाग में था कि मैं अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा हूं, ठीक है अच्छा प्यार मिला है, ऐसा नहीं है पैसे मिले कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि यार क्यों ना मैं खुद के दम पे कुछ करूं, कुछ ना कुछ पैसे मैं कमाऊं जिससे मैं अपने फैमिली वाले को सपोर्ट कर पाऊं। ठीक है सपोर्ट नहीं कर पाया यार, एटलीस्ट अपने खर्चे तो मैं निकाल पाऊं। एंड मुझे मतलब मेरे अंदर ये भरपूर भरा पड़ा था एंड मेरे दिमाग में था ही ऑलरेडी कि जब मैं कॉलेज में जाऊंगा ना, घर के बाहर जाऊंगा, तो मैं इस चीज़ को करूंगा जरूर। एंड जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे लगता है ये जो दोनों चीज़ थे मेरे दिमाग में, सबसे पहले क्या अपने स्किल्स को इंप्रूव करना, दूसरा ये कि यार साथ साथ में पैसे कमाना, ये मेरे दिमाग में एकदम रखा हुआ था। एंड जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं इस पर काम करना शुरू करता हूँ, मेरी स्किल्स इंप्रूव होती है। एंड जब मैं फोर्थ ईयर में पहुँचता हूँ तो मेरी तीन तीन कंपनी में प्लेसमेंट लग जाती है, जिसमें से एक कंपनी L&T भी थी, 3 लाख का प्लेसमेंट लगा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मेरी स्किल्स कितनी अच्छी है। एंड इसलिए मैंने उन तीनों कंपनी में अपने मतलब जो भी इंटरव्यू मैंने दिया, ग्रुप डिस्कशन मैंने किया, एंड साथ साथ जैसे ही मेरी जॉब लगती है तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग को एज अ करियर चूज़ किया। आज लेकिन सिचुएशन चेंज हो चुका है, मतलब देखिए पहले होते नहीं समय समय पर रीज़न चेंज होता है, तो आज रीज़न चेंज हो चुका है। पहले का रीज़न मेरा ये था कि है ना मुझे मतलब पैसे कमाने हैं, साथ साथ में मैं स्किल्स इंप्रूव करना चाहता था, आज स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं साथ साथ पैसे भी कमा रहा हूं। लेकिन आज का मुद्दा बहुत चेंज हो चुका है, आज का मुद्दा यह है कि मैं टाइम को ज़्यादा महत्व देना चाहता हूं। पैसे तो आप कमा सकते हैं, मुझे लगता है कि आप किसी भी तरीके से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन टाइम कमाना काफ़ी मुश्किल हो गया है आज डेट में, बहुत डिफिकल्ट है टाइम कमाना। मैंने ऐसे काफ़ी लोगों को देखा है जिनकी फैमिली जिस जगह में मैं रहता हूँ या आप भी रहते हैं जिस जगह पे, वहाँ पर उनकी फैमिली है लेकिन वो रहते कहीं हैं बैंगलोर में, रहते हैं कहीं पर चेन्नई पे, है ना पुणे पर रहते हैं, एंड वहाँ से पैसा कमा के अपने घर वाले को थोड़ा बहुत भेजते हैं, लेकिन उनकी फैमिली का देखा जाए तो फैमिली को कभी टाइम नहीं दे पाते और मतलब जम नहीं पाता। मुझे ये नहीं पसंद, मुझे हमेशा लगता था कि मुझे अपने मम्मी पापा को सपोर्ट करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, उनके साथ लाइफ इंजॉय करना चाहिए, तो इसलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है मैं जिस शहर पर रहता हूँ वहाँ पर मैं बहुत अच्छे से है ना किसी जॉब में जाके कर सकता था, लेकिन मुझे लगता था कि अगर मैं 6 से 8 घंटे जॉब करूँगा तो अपनी फैमिली को टाइम कब दूंगा। अब यहाँ पर लोग बात करेंगे क्या जॉब नहीं करना चाहिए, अरे बिल्कुल आपको जॉब करना चाहिए, मैं जॉब के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। पहले मुझे लगता था कि यार जॉब नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग या कोई बिजनेस करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे जब डार्क जोन 9 पे आया और वहाँ पर समझ पे आया कि नहीं यार मतलब जॉब भी इंपॉर्टेंट है और जिसमें जिसके जरिए करोड़ों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग, अरबों लोग पैसे कमाते हैं, तो उसके जरिए है ना लोगों का घर चलता है, 2 वक्त का खाना आता है, तो उसे बिल्कुल भी नकारना नहीं चाहिए। इसलिए जॉब भी बहुत अच्छा है, अगर आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल आपको जॉब करना चाहिए, है ना। तो ये मेरा मुद्दा, तो मैं बिल्कुल जॉब बोलूंगा कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, जॉब बिल्कुल गलत नहीं है, जॉब बहुत सही चीज़ है जिसके जरिए लोगों का खाना आता है, तो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो मैं जॉब के अगेंस्ट भी नहीं हूँ,
वो भी बताना चाहता था, लेकिन समय देना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट्स व्हाई आई चूज डार्ज विनाइन, है ना, सॉरी डायरेक्ट सेलिंग। अब उसके बाद हम डायरेक्टली आते हैं, है ना, अपने डार्ज विनाइन के ऊपर, वाई ओनली डार्ज विनाइन। देखिए मार्केट में तो बहुत सारी कंपनीज है, ऐसा नहीं बोलूंगा, नंबर वन कंपनीज भी है, है ना, टॉप की कंपनीज भी है, बट वाई ओनली डार्ज विनाइन, कुछ रीजन है यहाँ पर। पहला तो इस कंपनी के पास मिशन है, ऑलरेडी कुछ मिशन के ऊपर ही कंपनी चल रही है, ठीक है। हर कंपनी की मैं बात करूँ तो मैंने कुछ कंपनीज को देखा है, उनके पास ना मिशन का एक प्रॉब्लम होता है, हर किसी के पास एक सिर्फ फाइनेंशियल मिशन होता है। मैं आपको क्लियर कर दूँ, फाइनेंशियल, कार ले सकते हैं, बाइक ले सकते हैं, है ना, घर बना सकते हैं, चेक्स इतने कमाएंगे, एंड दे पीपल आर शोइंग ओनली चेक्स कार्स, इसी से ही लोगों को मोटिवेट करते हैं। एंड मैं उनके साथ वो कनेक्ट नहीं कर पाता था, मुझे हमेशा ना दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब दिखाना, मुझे लगता है कि अगर सिर्फ दिखावे के बल पे आप लोगों को ला रहे हो तो वो आप सिस्टम सही नहीं कर रहे हो। लेकिन जैसे डार्ज विनाइन पे हम आए तो यहाँ पर लोगों के पास मिशन मिला, केमिकल फ्री भारत, है ना, केमिकल फ्री बनाना है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाना है, वाई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जिसके कारण इतनी सारी बीमारियां होती है, एक मिशन हमको पता चला, एक माइंडसेट समझ में आया कि यार जो पूरी डार्ज विनाइन की टीम है वो सिर्फ केमिकल फ्री के ऊपर बात कर रही है, जितने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनके बारे में बात कर रही है, एजुकेट कर रही है लोगों को, ना वो बिजनेस पिच करती है, ना वो प्रोडक्ट पिच करती है, जस्ट मिशन के बारे में लोगों से डिस्कशन करते हैं। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने भी आज प्रेजेंटेशन किया है, वो प्रेजेंटेशन नहीं था, वो बस मिशन को पिच करना था, मिशन के बारे में लोगों को डिस्कशन करना था, एंड पीपल आर एक्साइटेड अबाउट द मिशन, उनको रियलाइज होता है यार कि हम गलती कर रहे हैं, अगर हम केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं हमको बहुत नुकसान होगा, एंड उसके कारण लोग इसको चीज़ को समझते हैं, उसके बाद तो लोग ढूंढने लगते हैं कि भाई कौन कौन सी और चीज़ें मैं ले सकता हूँ ऑर्गेनिक चीज़ें, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को पिच करेंगे ना, लोग खुले दिमाग से आपके प्रोडक्ट को लेंगे बिना प्राइस को देखे, है ना। तो ये चीज़ मुझे डार्ज विनाइन बहुत अच्छा लगा, मिशन के थ्रू आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ना आपको बिजनेस पिच करना है, ना आपको प्रोडक्ट पिच करना है, आप डायरेक्टली मिशन पिच करिए और बहुत अच्छे से आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो वासुदेव कुटुंबकम का माइंडसेट है, मतलब यहाँ पर आप आते हैं तो आपको समझ में आता है कि हम जैसे ह्यूमन हैं, उसके साथ साथ अगर प्लांट्स बोलें और उसके साथ साथ अगर हम ब्रह्मांड में बाकी चीज़ों की बात करें, है ना, मतलब बाकी जंतु जीव जंतु की बात करें तो इसी से होता है। लेकिन एक इंसान गड़बड़ कर रहा है, एक पर्सन गड़बड़ कर रहा है, मतलब एक सिस्टम गड़बड़ कर रहा है, वो कौन है, हम इंसान, है ना, हम ही केमिकल वाली चीज़ों को वो कर रहे हैं। तो अगर हम सही करेंगे तो सारा चीज़ सही हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ल्ड 2.0 का काम किया। एंड साथ साथ में जैसे मैंने बताया, चेक्स कार इन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं किया जाता, यहाँ पर मिशन के बारे में बात किया जाता है, क्योंकि हमको सबको लगता है कि भाई अगर हम इस चीज़ को कर देंगे तो बाय प्रोडक्ट में हमको इनकम मिल ही जाएगा, हमको इनकम पिच करने की जरूरत नहीं है, ना चेक शो करने की जरूरत है। ये सारी चीज़ें ना डार्ज विनाइन को एक अलग सिस्टम बनाता है, जो शायद बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होंगी, बहुत सारी कंपनी, हज़ारों कंपनीज हैं मार्केट में, लेकिन डार्ज विनाइन को अपने आप को अलग करता है। इसलिए कंपनी में भले कम लोग हैं लेकिन बहुत गजब तरीके का रेवेन्यू डार्ज विनाइन जनरेट कर पा रहा है। एंड बहुत बड़ा रीजन मैं आपको बता देना चाहता हूं जिसके कारण डार्ज विनाइन बहुत पसंद है मुझे, एंड हिज नेम इज फाउंडर जितेंद्र डागर सर। मैं आपको बता रहा हूं, ही मतलब उनका मैं फैन हूं, एंड जितने भी लोग हमारे साथ हैं सब फैन है, मतलब मैन विथ मिशन, एक अलग टाइप का माइंडसेट है, मतलब वो चाहते हैं कि लोगों का भला हो, लिटरली केमिकल फ्री एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से। एंड आप बोल सकते हैं कि वो एक साइंटिस्ट भी आप बोल सकते हैं, आप उनको एक एजुकेटर भी बोल सकते हैं, क्या बोलूं उनके बारे में। जितेंद्र डागर सर जबरदस्त पर्सनैलिटी, एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है, तो उनके कारण, उनके लर्निंग्स के कारण भी, क्योंकि हम पहले, मुझे लगता है कि जितने साल हम डायरेक्ट सेलिंग किए थे और अभी दो से तीन महीने जो हमने डायरेक्ट सेलिंग किया है, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन के कारण हो पाया है, उनका नाम है जितेंद्र डागर सर। तो मैं आपको बोलूंगा, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में अगर डार्ज विनाइन पे आते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट मिलता है। बाकी में तो आप ऑलरेडी चेक्स के बारे में तो बात कर ही लेते हैं, एंड कार के बारे में बात कर लेते हैं, तो आप उसके जरिए आप अगर लोगों को, है ना, मतलब एग्जॉस्ट रेट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट डार्ज विनाइन में सारा सिस्टम बहुत अलग है, इसलिए डार्ज विनाइन अलग है। थर्ड, वाई माई अपलाइंस, आपको बता दूँ, मतलब काफ़ी, मतलब आई चेंज माई अपलाइन, मतलब पहले की कंपनीज में मैं जब था तो, है ना, वहाँ से मैं अपनी अपलाइन को मैंने चेंज किया बिकॉज थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे, बट आई चूज रियल एंड, मतलब आपको बोलूँ, मतलब परफेक्ट अपलाइंस। सबसे पहले तो मेरे अपलाइन में आते हैं जितेंद्र डागर सर, सेकंड नंबर पे आते हैं आशीष रहतोगी सर। जितेंद्र डागर सर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, आशीष रहतोगी सर, ही इज अ डॉक्टर, डॉक्टर बाय प्रोफेशन। एंड साथ साथ में अगर मैं बात करूं, थर्ड जो हमारे अपलाइन आते हैं, हिज नेम इज खुशाल गाबा, दिल्ली से हैं, गजब पर्सनालिटी हैं। एंड फोर्थ, हिज नेम इज अभिषेक दुआ, यू नो हिम, है ना, सब जानते हैं, ही इज आई कैन से कि भाई मतलब यूथ आइकॉन है एंड इंडिया में मोस्ट सेलिब्रेटेड आइकॉन है। एंड मेरा किस्मत बहुत अच्छा है कि मैं उनसे पर्सनली कनेक्टेड हूँ, काफ़ी अच्छा उनसे नॉलेज मिलता है, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी कि वो मेरे अपलाइन है, एंड उनके जरिए भी काफ़ी अच्छा सीखने मिल रहा है, ग्रो करने का मौका मिल रहा है, बिजनेस माइंडसेट उनके जरिए मिल रहा है। एंड उसके बाद मेरे अपलाइन में आते हैं अमरेश साहू सर, इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सनैलिटी, मैं आपको बोल सकता हूँ, है ना, टॉपर टाइप की पर्सन है, बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा माइंडसेट है, उनके जरिए बहुत कुछ सीखने मिलता है, हर दिन उनसे बात होती है, बहुत कुछ सीखने मिलता है। उसके अलावा माई अपलाइन इज अंकित मित्तल सर,
उसके पहले मैं आपको बता दूँ, हिज नेम इज अंकित दास सर, एंड मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब भुवनेश्वर में बहुत गजब तरीके से उन्होंने अपने टाइम में काम किया था। उड़ीसा के बोलना चाहिए प्रिंस ऑफ उड़ीसा उनको बोला जाता था जिस टाइम हम पहले काम करते थे। आज भी बहुत गजब तरीके से वो काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त नॉलेजेबल पर्सन है एंड काफ़ी कुछ उनसे सीखने मिल रहा है, एंड हमेशा ये लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ ही इज़ माई मेंटर अंकित मित्तल सर, इनके बारे में मैं क्या बोलूँ, मतलब इनको मैं बोल सकता हूँ कि इंडस्ट्रियलिस्ट है एंड साथ साथ में रायपुर से बिलोंग करते हैं। बहुत कुछ सीखने इनसे मिलता है, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स आई शेयर विथ हिम, एंड प्रॉब्लम्स हो अच्छी चीज़ें हों बुरी चीज़ें हो सारी चीज़ें मैं सर से शेयर करता हूँ और काफ़ी कुछ सपोर्ट मिलता है सर से। टीम को ग्रो करने में भी सर का काफ़ी हेल्प है, तो मुझे लगता है इन सारे लोगों के कारण, बोला नहीं चाहता कि आप अपने आसपास के जैसे पांच लोगों के साथ होते हो वैसा बन जाते हो, तो इन सारे लोगों के संगत में रहने के कारण ये माइंडसेट मेरा बन पाया जिसके कारण आज मैं ग्रो कर पा रहा हूँ आरजी नाइन में, बहुत अच्छा काम कर पा रहा हूँ। तो मैं आप दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे सारे अप्लायंस को, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ आरजी नाइन को, एंड दिल से धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग को। तो ये मेरी पूरी जर्नी रही, आगे भी जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है। मिशन पिच करते करते हम गजब का काम कर पाएंगे डायरेक्ट सेलिंग में, इनकम भी होगी लेकिन लोगों की एक्चुअली मदद हो पाएगी, रिटेल से भी लोग प्रॉफिट कमा पाएंगे एंड बिजनेस के थ्रू नेटवर्क के थ्रू भी बहुत अच्छा कमा पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें रही मेरे साइड से, बाकी तो और ही वीडियोस में लाता रहूंगा। तो थैंक यू सो मच इतना समय देने के लिए, थैंक यू सो मच सौरभ देवांगन।